गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज चलते हम लोग कहाँ जा रहे हैं, चलते आगे। भाई साहब आज भीड़ तो देखो पेट्रोल पंप पे, लग रहा है कि इलेक्शन फिर से आ गया और उसी के नॉमिनेशन में सब लोग तेल लेने आए हैं। बिना टाइम वेस्ट किए और चलते हैं कन्हैया के घर और वहाँ से हम लोग कहाँ जाने वाले बताएंगे और कन्हैया कैसा है ये भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए कन्हैया, नहीं खाओगे चिकन मछली? खाएंगे कुछ दिन बाद। कुछ दिन बाद यहाँ देखिए कितना बोतल पानी चल रहा है। ज्यादा दिखाओ नहीं, सिंपैथी नहीं चाहिए हमको। सिंपैथी सुसुम सुसुम, पानी भी हमको लिक्विड पीना पड़ रहा है। अच्छा सुसुम सुसुम ना, तो उसको चार बोतल पानी चढ़ा है और अभी तो लगभग कितना, पिछले 5 दिन से इंजेक्शन रोज पड़ा है ना, जैसे ऐसे हालत बहुत ख़राब था, लेकिन अभी ठीक है, पहले से ठीक है। और आप लोग भी प्रे करो कि जल्दी सुधर जाए इसको और बाहर का खाना बंद करो। इसी के कारण मेरा हुआ है सब कुछ, यही बार बार खिलाता है बाहर जाके और इसी के कारण हुआ है मेरा जो भी हुआ है। जब से मार्केट तुम्हारे लगा तो पड़े तो तुम्हारा अन्नपूर्णा का चार्ट चल जो भी हुआ है बस इसके कारण हुआ है। तो कमेंट में इसको सुधरने के लिए बोलिए, सुधर गया तो हम सुधर जाएंगे, क्योंकि जितना भी खाए इसी के कारण खाए और उसके कारण आज ये खाना पड़ रहा है। हमको बोल रहा था कि आलू कि कल आलू बैगन का सब्जी पापा खा रहे थे तो मेरे मुंह से पानी ले निकल रहा था, मुंह से पानी आ रहा था देख के। तो ये इसका कंटिन्यू अभी 6 दिन से यही खाना है ना करेंगे? 8 दिन अभी खाना है और 6 दिन खा चुके हैं, 8 दिन और खाना है। जितना सिंपल खाए उतना सही रहेगा ना। अब बंद कर दो। तो आप लोग भी प्रे करो कि जल्दी कन्हैया ठीक हो जाए। तो चलिए फिर चलना है आगे, कहाँ चलते बताते हैं आपको। हे गाइस, तो हम लोग अभी निकल चुके हैं मुजफ्फरपुर के लिए, साथ में शुभम भी आया है, हेलो, पीछे रवि भी आया, रवि आपका देख लीजिए कैमरा। तो चलिए चलते हैं और फिर से आप लोगों को मुजफ्फरपुर का टूर करवाते हैं, जैसा हम लोग हमेशा कराते रहते हैं। ऐसा लोग हमेशा इधर का कराते रहते हैं, इधर का हम लोग का ज़्यादा काम रहता है कि बिजनेस से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत रहता है और घूमने का भी रहता है। तो इधर ट्रैफिक आप लोग देख लो सामने बहुत क्लियर है ना, और रोड भी मस्त है। पटना में सबसे बड़ा रहता है प्रॉब्लम कि उधर का पुल ना, अच्छा मतलब जाने का इधर रहता है, जाने का हाँ, जाम इधर मुजफ्फरपुर बहुत कम, वो मार्केट में ही रहता है, मार्केट में तो बहुत ज्यादा। पटना में है कि मार्केट में भी जाम और पुल दीघा पे चल जाइए या फिर वहाँ पे गांधी सेतु चल जाइए, उधर भी जाम का चांसेस ज़्यादा रहता है ना। तो जा रहे हैं और उधर से हम लोग को जाना है गुड़िया दी के यहाँ, तो आप उनको प्रसाद देना है, प्रसाद छठ पूजा वाला। काफ़ी लेट हो गया क्योंकि कन्हैया का तबीयत खराब था, तो सुबह भी उधर गए हुए थे ना और सब लोग उधर ही व्यस्त थे, तो और कुछ काम है तो उससे जा रहे हैं। तो चलिए आगे चलेंगे और आप लोग को दिखाते हैं कहाँ कहाँ जा रहे हैं मुजफ्फरपुर ना, तो बने रहिए ब्लॉग में। हे गाइस, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे जाम से गुजरने के बाद अब पहुंचने वाले हम लोग गुड़िया दी के यहाँ, तो चलिए चलते हैं वहाँ, फिर गुड़िया दी से मिलवाते हैं। बहुत लोग जानते भी होंगे क्योंकि वो भी ब्लॉगिंग करती हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। अब यहाँ से चलना है गुड़िया दी के यहाँ, तो चलिए वहाँ चल के मिलवाते हैं। हम लोग गुड़िया दी के यहाँ आ गए हैं, वो हाय बोलो, हाय बोल दो कैमरा पे, बोल दो हाय। और गुड़िया दी सामने है, अभी हम लोग चाय भी पिए गुड़िया दी के यहाँ और इधर से जिया जी खाने वाला है, खाना भी खाने वाले हैं, लेकिन वो अभी जाना है जिया जी के साथ एक जगह, उधर जाएंगे फिर खाएंगे। नहीं बोली बुआ, देखा वो काम आ गए, क्या देख रही है दिए बुआ, यहाँ पे नहीं बोल रही है। अच्छा तो गाइस अभी गुड़िया दी हम लोग के लिए रोटी बना रही है, हमसे पूछा गया था कि पूरी बनाए कि पराठा बनाए कि रोटी बनाए, तो कन्हैया का जो भी सिचुएशन है तेल का खा के उसका तबीयत काफ़ी बिगड़ गया था, तो हम लोग बोले कि नहीं थी रोटी बनाइए, बोला है कि 2 रोटी खाएं, लेकिन बहुत झूठा है, 10 रोटी खाता है। आज 10 को खा के जाएंगे ठीक है। हाँ वैसे पता है हम सब्जी वब्जी बनाए हुए थे, लेकिन सब्जी के लिए मना कर दिया, इस वजह से चिकन ऑर्डर करके मंगवाना पड़ रहा है। और दी बनाई हुई थी मटर पनीर का सब्जी था, और क्या था दी? आलू तो चना की सब्जी थी, पनीर की सब्जी थी, दाल था, चावल था, चक्का था, भुजिया था, लेकिन मना कर दिया। और हम लोग जिया जी के साथ निकल गए, मार्केट में कुछ काम था और उधर से आया, तो फिर जिया जी गए बाहर चिकन लाने के लिए और वो बस आते ही होंगे, और इधर दी रेडी कर रही है रोटी। और उधर दिखा दो समृद्धि क्या कर रही है, समृद्धि अभी गोलू मामू के साथ खेल रही है और सामने गोली और बैठे हुए इधर रह गया, क्या करे बुआ समृद्धि?
कार्टून नहीं देख रही हैं? अच्छा कुछ बोलिए तो, हाय बोल दीजिए, हाय गाइस बोलिए। बउआ एक बार हाय कर दीजिए, समझ लीजिए हाय गाइस जोर से। हाय गाइस बोली बउआ दी से अलविदा, फिर बाय नेक्स्ट टाइम आएंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर दी से मिलेंगे, और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो रुकेंगे भी, ठीक है? जल्दी आना, जब जब रुक पाएंगे तो आएंगे। टाटा टाटा बोलो, टाटा बाय मामू, बाय मामू बोलो, बाय मामू नहीं बोलोगे? चलिए भाई रेडी है, चलता हूँ।